हेलो और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन कंप्लीट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाला गुप्ता एम्पायर, जो कि 319 एडी से लेकर 540 एडी तक रूल रहता है इनका। और इनके जो फाउंडर थे वो थे श्री गुप्ता इनके फाउंडर थे। इससे पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं कि गुप्ता एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी कैसा था। तो टैक्सेस पॉलिसी, एग्रीकल्चर, सोशल, जितने एडमिनिस्ट्रेटिव के अंडर आते हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिया। तो आई बटन पे क्लिक करके उसको देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं गुप्ता एम्पायर के अंदर। तो चंद्रगुप्ता फर्स्ट यानी कि 319 से लेकर 334 तक ये रूल करते हैं। ये इनका जो टाइटल मिला था, महाराजा धीराज के नाम से पुकारे जाते थे, मतलब ग्रेट किंग ऑफ किंग्स के नाम से। इन्होंने क्या किया, मैट्रिमोनियल रिलेशन स्टार्ट किया। किसके साथ, लिच्छवी के राजकुमारी थी कुमारा देवी के साथ इनका विवाह होता है, और वहाँ से इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस स्टार्ट किया। इन्होंने स्टार्ट किया गुप्ता ईरा, जो कि 319 से लेकर 320 तक चला। फिर इन्होंने जो है अथॉरिटी डाली कहाँ पर, तो मगध, प्रयाग और साकेत, इन तीनों पे इन्होंने अपना दबदबा बना लिया। वहाँ पर इनको इन्होंने कैप्चर कर लिया। इनके बारे में अगर आपको पढ़ना है गुप्ता ईरा के बारे में, तो मेहरौली इंस्क्रिप्शन यानी कि जो मेहरौली में आयरन पिलर आपको जहाँ पर दिखेगा कुतुब मीनार के पास में, वहाँ पर बताया गया है, उसी आयरन पिलर पे इनके बारे में बताया गया है। इन्होंने गोल्ड कॉइन जो है, ओरिजिनल गोल्ड कॉइन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसको दिनारास कहा गया इंडिया के अंदर। और ये किस टाइप के थे, तो उसका नाम था चंद्र फर्स्ट कुमार गुप्ता देवी टाइप। ये किस टाइप का था, चांद वन कुमार देवी टाइप। ये तो टाइप आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी में यहाँ से लेके भी क्वेश्चन पूछता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी हो और समझ भी आई हो। देखिए, तो गुप्ता एम्पायर के सेकंड किंग थे, और ये सबसे ग्रेटेस्ट किंग माने जाते हैं। इनका नाम था समुद्रगुप्ता 1335 से लेकर 380 एडी तक ये रूल करते हैं। और इनको जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि बीएम स्मिथ बोलते हैं कि ये नेपोलियन ऑफ इंडिया थे। क्यों, क्योंकि अशोका का अपोजिट थे। अशोका जो है धम्मा यूज़ करते थे कॉन्क्वेस्ट करने के लिए, धर्म को जो है बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, और कैसे कॉन्क्वेस्ट करना, एक धर्म को जो है वहाँ स्टेबल कर दो। बट ये मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करते थे, फिजिकल कॉन्क्वेस्ट करते थे, मार धाड़ करना और एनेक्सेशन करने पे बिलीव करते थे। तो इन्होंने देखिए मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया, ये हमें पता चलता है नगरी स्क्रिप्ट से। और दूसरा जो है अशोका पिलर पे भी इनके बारे में जिक्र है कि इन्होंने जो है मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया है। ये इलाहाबाद में है अशोका पिलर, आप देख लीजिएगा एक बार। तो देखिए इन्होंने, और कंपोज किसने किया था ये अशोका पिलर पे, तो हरिसेना, जो कि इन्हीं के कोर्ट के पोएट भी थे। इनका कॉन्क्वेस्ट के बारे में हम पढ़ें तो देखिए, काशीर नॉर्थ से लेकर नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान तक, साउथ में तमिल तक और ईस्ट आसाम तक इन्होंने जो है कॉन्क्वर्ड कर चुके थे इंडिया के ऊपर। और ये जो वैष्णविज्म के फ्लावर थे, और ये हर एक रिलीजन्स को जो है तवज्जो देते थे, हर एक रिलीजियस को ये मानते थे। और इनको किस टाइटल के नाम से जाना जाता था, तो इनको जो है कविराज के नाम से जाना जाता था। और ये जो म्यूजिक से ज़्यादा प्रेम करते थे, पोइट और लिटरेचर में भी ये ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। इन्होंने देखिए पेट्रोनाइज किया, एक स्कॉलर थे, हरिसेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के काल में थे, तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि हरिसेना किसके काल में थे, समुद्रगुप्त के काल में थे, और अपोजिट अशोका किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। या नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इन्होंने गोल्ड कॉइन टाइप, मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया किस टाइप के गोल्ड कॉइन थे इनके, गरुड़ टाइप थे, धनुधारी टाइप थे, आर्कर टाइप थे, और ये है एरेट टाइप। तो ये सब चीज़ें टाइप हैं, इसे भी आप एक बार नेट पर सर्च करके देख लीजिएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ आया होगा। थर्ड जो किंग आते हैं चंद्रगुप्ता सेकंड, राइट, जिनको विक्रमादित्य सेकंड भी कहते हैं, 380 एडी से लेकर 414 एडी तक इनका रूल रहता है। समुद्रगुप्त के दो बेटे होते हैं, सक्सेसर होता है रामगुप्त, बट ये इंपॉर्टेंट किंग होता है, मीन्स ये वीक रूलर होता है और ये होता है, तो ये रूल नहीं कर पाता। उसके बजाय उसका यंगर ब्रदर जो होता है चंद्रगुप्त सेकंड गद्दी पे आते हैं और रूल करते हैं। गुप्ता एम्पायर का जो, और एंशिएंट इंडिया का जो गोल्डन एज है वो गुप्ता एम्पायर का माना जाता है, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के अंडर आता है गोल्डन एज।
और ये जो क्या करते हैं, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट भी करते हैं, उसके साथ साथ मैरिज अलायंस भी करते हैं। ये भी मैट्रिमोनियल रिलेशन में विश्वास रखते हैं और वो पॉलिसी अपनाते हैं। इन्होंने साकास को डिफीट किया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि साकास को किसने डिफीट किया है, तो शक को जो है चंद्रगुप्त सेकेंड ने डिफीट किया है। इन्होंने सिल्वर के कोइन इशू किए थे। देखिए सिल्वर कोइन सबसे पहले सबने जो है कौन सा गोल्ड कोइन इशू किया था, बट इन्होंने सिल्वर कोइन इशू करे थे फर्स्ट। ये सब स्टेटमेंट में क्वेश्चन एक बार आ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि पुट डाउन कर दूँ इसके अंदर। इनको किन किन नामों से जाना जाता था या टाइटल इनके क्या थे, तो सरकारी, विक्रमादित्य, ये सब टाइटल थे। देवगुप्ता, देवश्री, ये सब टाइटल थे इनके। और इन्होंने जो है सेकंड कैपिटल अपना बनाया उज्जैन को, तो और फर्स्ट कैपिटल क्या था, प्रयाग था, क्योंकि प्रयाग और यूपी के रीजन में ही डेवलप हुआ था गुप्ता एम्पायर। देखिए चंद्रा एज अ मेन से, देखिए मेहरोली आयरन पिलर जो है इनका नाम चंद्रा बताया गया है। और इनके जो कोर्ट में कौन, फाहियान जो रूलर, फाहियान जो एक चाइनीज़ विजिटर थे, ट्रेवलर थे, इनके ही रेन में आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो पूछा गया है, आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे कई कई सालों के, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ जाता है बीपीएससी, एमपीपीएससी, किसी भी पेपरों में, इवन सीजीएल वगैरह में भी आ जाता है। देखिए इनके काल में नौ रत्न थे, यानी कि जो नौ लोग थे बहुत इम्पोर्टेंट, जिनको चंद्रगुप्त ने क्या किया, पेट्रोनाइज किया, उनकी मदद की। जैसे कालिदास के बारे में नाम सुना होगा, अमर सिंह, अमर सिन्हा, ठीक, धनवंतरी, वरम हीर, बारूची, घटकर्णा, तो इनका देखिए ये सब चीज़ें जो इन्होंने लिखा है, ड्रामा लिखा है, महा मेघदूतम लिखा है, तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिला होगा कि वरम हीर ने क्या क्या लिखा है। तो ये सब आप पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, ताकि अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो बहुत टाइम भी लगेगा और मुझे बहुत चीज़ें कवर भी करानी है जल्दी जल्दी। देखिए और भी थे जो घटाकर्णा थे, वेला भट्ट थे, तो इनके बारे में, और छप्रानक भी थे, शंकु भी थे, तो ये सब इनके यहाँ पर पोइट थे, राइटर थे, मतलब कह सकते हैं आप एक तरीके से, मतलब बहुत पढ़े लिखे स्कॉलर को ये पेट्रोनाइज किया करते थे गुप्ता एम्पायर में, इसलिए इनको गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ गुप्ता भी कहते हैं इनको। आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। आगे हम बढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्ता के सक्सेसर थे और चौथे जो किंग हुए वो थे कुमार गुप्ता। तो इन्होंने जो है ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं किया, बट ये जो है क्यों डेवलप नहीं किया, क्योंकि जो हूणास थे, वो नॉर्थ के साइड से, हूणा जो हिंदी में अगर आप पढ़ें तो हूणा होता है, ठीक, तो ये जो थ्रेटन करने स्टार्ट कर दिया था उधर से, मार धाड़ और अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, तो ये ज़्यादा उसी समय बिजी हो जाते थे उधर लड़ाई करने, तो इनका जो एक्सपेंशन वगैरह, रिफॉर्म्स वगैरह नहीं मिलेंगे। इन्होंने जो है नालंदा महावीरा लर्निंग सेंटर इन्होंने फाउंड किया। फिर इनके बाद जो सक्सेसर आते हैं स्कंदगुप्त, इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। स्कंदगुप्त जो है सक्सेसर होते हैं गुप्ता एम्पायर के, और ये लास्ट रूलर होते हैं गुप्ता एम्पायर के। इनके टाइम पे जो हूणा इन्वेंट करने लगते हैं इंडिया के अंदर, बट ये क्या करते हैं, हूणा को डिफीट कर देते हैं। यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ये 2015 का बीपीएससी का प्रीलिम्स का सेट बी निकाल लेंगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये क्वेश्चन है कि किस गुप्ता एम्पायर के राजा ने हूणास को पराजित किया था, तो ये कि स्कंदगुप्त ने ये काम किया था। फिर जैसे ही इन्होंने हूणास को पराजित कर लिया, तो अपना इन्होंने टाइटल दे दिया विक्रमादित्य, ठीक, विक्रमादित्य टाइटल। तो इस टाइटल के बारे में आपको कैसे पता चलता है, तो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन है। भीतरी के बारे में आप अगर जानेंगे, 7th 8th NCERT उठाएंगे, तो भीतरी एक गाँव है, कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक गाँव है भीतरी, तो वहाँ पर पिलर इंस्क्रिप्शन है, वहाँ से पता चलता है कि विक्रमादित्य स्कंदगुप्त का नाम है। तो अगेन जो है जो हूणास थे वो मानते नहीं है और कंटिन्यूसली जो है अटैकिंग करते रहते हैं इंडिया पे। अटैकिंग करते करते जब डेथ हो जाता है स्कंदगुप्त का, उसके बाद जो है हूणा डोमिनेट कर जाएंगे पूरी तरह से और गुप्ता एम्पायर को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जो है इंदौर स्टोन पिलर और जूनागढ़ पिलर में आपको स्कंदगुप्त के बारे में और भी जानकारियाँ मिलती हैं। इंदौर जो कि MP में पड़ता है और जूनागढ़ जो कि गुजरात में पड़ता है। तो आई होप कि अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे और किस चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके और लोगों से शेयर करिए ताकि हमारा चैनल थोड़ा ग्रो करे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और आप जल्दी सक्सेस हो।